Good morning, students. How are you? I hope you all are good. Okay, so in your second unit test, in GK, what is the portion? From 1 to 12th. Okay, so total 12 chapters are there. So we are going to revise each chapter. Now, first one is the fill in the blanks. Okay, now this is the first chapter. So first chapter, whatever the fill in the blanks are, that you have to write down in your notebook. For example, Harry Potter is a series of 7 fantasy novels written by - J.K. Rowling. Okay, now, yahan pe kaun sa word use hone wala hai? That you have to write it down. So, yahan pe options diye hain, lekin exam mein aapko options nahi milenge. So, you have to think and write down. Okay, so according to grammar, आप कौन से वर्ड्स यूज करते हो, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस, ये टेंसेस के अकॉर्डिंग आपको कौन सा टेंस यूज करना है, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, उसके अकॉर्डिंग आपको कौन सा वर्ब यूज करना है, दैट यू हैव टू राइट इट डाउन. सो दीज आर द फिल अप्स, यू हैव टू राइट इट डाउन. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इज चैप्टर 2. ओके, नाउ इन चैप्टर 4 अगेन फिल इन द ब्लैंक्स आर देयर. सो अगेन 5 फिल अप्स आर देयर, सो दैट अगेन यू हैव टू राइट इट डाउन. ओके, यहाँ पे आपको जो भी फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं वो आपको आपकी नोटबुक में लिखना है. नेक्स्ट दिस वन, एड वर्ल्ड. ओके, जो भी एड्स दिए रहते हैं ना, एक ब्रांड होता है, एक कंपनी का नाम होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे ये 4 आर देयर. ओके, ओनली 4 आर देयर, दैट यू हैव टू राइट डाउन. और इसको आप कैसे लिखोगे, स्लोगन. ओके, ये स्लोगन वाला चैप्टर है, दिस इज द स्लोगन चैप्टर. हियर यू हैव टू यूज द टैगलाइंस. ओके, कहाँ पे कौन सी टैगलाइंस यूज करते हैं, कौन सी कंपनी नेम यूज करते हैं, ब्रांड नेम यूज करते हैं, सो दोज 4 फिलअप्स यू हैव टू राइट डाउन इन योर नोटबुक. नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ इन योर क्वेश्चन देर वुड बी रिटन एज ही फॉट फॉर अ इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल अमेरिकन. यही एक सेंटेंस लिखा रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क करना है कि विच वन विल बी द आंसर, करेक्ट पर्सन कौन है. तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे मार्टिन लूथर किंग. ओके, तो ये आपको मैच करना है. हियर दिस डायरेक्टली मैच किया, लेकिन आपको क्वेश्चन पेपर में कैसा होगा, आपको यहाँ पे ऑलरेडी नंबर्स दिए जाएंगे, ए बी सी डी ऐसे अल्फाबेट्स देंगे. So that you have to directly write down as your answer. Next one is, this pleasant girl led a French army to the victory over the English forces. वो कौन सी लेडी थी जिसने फ्रेंच आर्मी को लीड किया था? So that was John of Arc. Okay, John of Arc ने ऐसे यूज किया था और उन्होंने बहुत अच्छे से विक्ट्री, बहुत अच्छे से जीत गए थे. So she was the famous in history for her brave fight against the British. ब्रिटिश के अगेंस्ट फाइट करने में इंडिया से किसने हेल्प किया था? दैट वॉज अ रानी लक्ष्मी बाई. ओके, सो दीज आर द मैच द फॉलोइंग्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू राइट डाउन इन योर नोटबुक. नेक्स्ट इज दिस वन. ओके, क्रॉस वर्ड्स. यहाँ पे आपको ऑलरेडी देखे रखे हैं कि थर्ड नंबर में कौन सा आएगा. ओके, और ये यहाँ पे ब्रैकेट में क्या दिया है, 5 मीन्स 5 लेटर का वर्ड है वो. तो आपको 5 लेटर का ऐसा वर्ड फाइंड करना है, कंपनी का नेम, और वो आपको यहाँ पे फिल करना है. सो ये क्रॉसवर्ड्स इंपॉर्टेंट है, दिस टाइप ऑफ वर्ड्स विल आल्सो बी देयर इन योर एग्जाम. नेक्स्ट इज इंडियन रिवर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ओके, सो द नेम ऑफ दिस रिवर मीन्स सन ऑफ ब्रह्मा. वो कौन सी रिवर है जिसका, जिसको हम बोलते हैं कि वो सन ऑफ ब्रह्मा है. ओके, ब्रह्मा भगवान से निकली है. सो दैट इज अ ब्रह्मपुत्र. सो दीज आर द थिंग्स, ये इंडियन नेम्स, इंडियन रिवर्स हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट डाउन इन योर नोटबुक वन टाइम. देन टोटल 12 आर देयर, सो अगेन दिस इज द 12th चैप्टर. अगेन क्रॉस वर्ड्स आर देयर, सो दिस क्रॉस वर्ड्स यू हैव टू राइट इट डाउन. ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको लिखना है. दिस वॉज टॉट एट हॉगवर्ट्स हैरी पॉटर स्कूल. वो कौन से वर्ड्स था जो हैरी पॉटर स्कूल में पढ़ाया जाता था, और वो 5 लेटर का वर्ड है, ब्रैकेट में मीन्स 5 लेटर. ओके, 5 लेटर्स का वर्ड है. सो कैन यू सी ये मैजिक, मैजिक पढ़ाया जाता था ना हैरी पॉटर में. सो इन दिस वे यू हैव टू राइट इट डाउन. सो दिस वॉज अ रिविजन. ओके, सो वॉट एवर द चैप्टर्स आई हैव टोल्ड यू, वॉट एवर द जो भी फिलअप्स, मैचअप्स आई हैव टोल्ड यू, राइट इट डाउन इन योर नोटबुक एज अ रिविजन इन योर नोटबुक इन वेरी नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग. और आपको खुद से सॉल्व करना है, ठीक है? नो स्पेलिंग मिस्टेक, नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग. ओके, सो गुड बाय, टेक केयर स्टूडेंट्स.